सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे गांव सीमी निर्गोल में। और आज का दिन बेहद खास है, ये जून का महीना बहुत खास है, ये मृग शीर्षा नक्षत्र बहुत खास है, क्योंकि आज से हमारे गांव के देवी मंदिर में आरंभ होने जा रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण। इससे पूर्व हमारे गांव के इस देवी मंदिर में भागवत का आयोजन हुआ था साल 2014 के इसी जून माह में, जो हमारे पांडे परिवार का प्रथम और बड़ा देव कार्य होने के नाते बहुत खास था, बहुत अहम था। तो उस साल की कुछ संग्रहित यादें आपके सामने कुछ विजुअल्स के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो जो लोग उस साल भागवत आयोजन में शामिल हुए थे, उनके लिए तस्वीरें बेहद खास होने वाली हैं और उनके लिए पल बहुत यादगार पल होंगे। तो याद कीजिए उन मीठे मधुर पलों को। और साथ ही साथ हम याद करेंगे हमारे उन अपनों को जिन्हें हमने इन विगत 10 सालों में खोया है, और इन खास लोगों की कमी हम कभी भी पूरी नहीं कर सकते हैं। अगर आज ये लोग हमारे बीच होते तो इस दूसरे भागवत की शोभा ही निराली होती। तो जो लोग हमारे बीच नहीं है, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए और प्रणाम करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज ठीक 10 साल बाद हम सब लोग साक्षी बनने जा रहे हैं एक बड़े देव कार्य के। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आप लोग जुड़े रहिएगा। इन 4 से 5 वीडियो के भागों में मैं आपको श्रीमद् भागवत के साथ साथ गांव के और भी दृश्य दिखाऊंगा, और साथ साथ अपने सभी कुटुंबजनों, रिश्तेदारों और आगंतुक मित्रों से आपकी निजी तौर पर मुलाकात भी करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण का। 7 जून की सुबह से ही हमारे परिवार के सभी लोगों में एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा था। हमारी बहनें, हमारी बुआएं, बहनों के बच्चे, हमारे भतीजे भतीजियां, हमारे चाची ताई लोग और हमारी भाभियां, सभी लोग सुबह से ही नहा धोकर सज धज कर तैयार हो चुके थे। छोटे छोटे बच्चे उत्साह में शोरगुल मचाकर माहौल को और खुशनुमा बना रहे थे। सबसे पहले हमारे तीर की बाकली से मात की बाकली होते हुए एक शानदार भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पीतांबर वस्त्र पहने पुरुषों और रंग्याली पिछौड़ा और नथ पहनी महिलाओं ने पारंपरिक मांगलिक गीतों और भजनों के साथ कलश यात्रा शुरू की। ये दृश्य बेहद मनमोहक लग रहा था। गर्मियों की छुट्टी के चलते ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार और कुटुंबजन गांव में एकत्र होने की वजह से गांव का माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा था। श्रीमन नारायण 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 भजमन आयण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।
नाथ नारायण वासुदेव जय खींचोगे अभी यदगादरण्यम् माया मृगम दैदेप्सितमन्वदावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द अतितीक्ष्ण महाकायो कल्पान्त दहनोपमो भैरवाय नमस्तुभ्याम् मनुज्ञां दातुमर्हसि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमो सर्वचैतन्ये बुद्धि यान प्रचोदया
नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं मनोजभं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयोत्थमोख्यां श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये रामाय रामचंद्राय रामेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोल आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा माता के श्रीमद्भागवत महापुराण के परम श्रद्धेय सम्मानित भगवत भक्तजन उपस्थित माताओं बहनों साधु महात्मा जन विद्वत वर्ग संपूर्ण भगवत भक्त आपो सब लोग ना गए पांडे बंधुओं द्वारा आयोजित परम पावन परम दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान कथा यज्ञ में हार्दिक स्वागत छो अभिनंदन छो और वंदन छो। यह है हमारे गांव का भगवती मंदिर। तो हमारे जो परिवार थे जब यहां आए थे तो उसके बाद ये भगवती मंदिर यहां पे स्थापित किया गया था। आज 10 साल बाद करीब हमारे वहाँ ये भागवत का आयोजन किया जा रहा है। 2014 में इससे पहले आयोजन किया गया था। तो कथा शुरू हो गई है और लोग आने लगे हैं। नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी से आए हैं? हाँ। भागवत के लिए आए हैं? भागवत के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ क्या है आपका? यहाँ मेरा मायके है। अच्छा, मायका है। हाँ, तो मायके का भागवत सुनने आए हैं। वाह, तो हल्द्वानी में कैसा है गर्मी का माहौल? बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ अच्छा लग रहा है पहाड़ में? अरे स्वर्ग, देवभूमि ठहरी है। देवभूमि ठहरी, स्वर्ग है यहाँ। ये बांज के जंगलों के बीच आप आए हैं? हाँ, वाह क्या बात है, अच्छा लगा। बहुत अच्छा। तो अपने घर भी आप जाते रहते हैं? अपने मूल घर में? हाँ, जाते रहे। लक्ष्मीपुरा दौलाघाट में गाँव है हमारा। दौलाघाट में है? अच्छा, वहाँ जाते रहे रेगुलर? तो वहाँ दरवाजे खोल रखे हैं आप लोगों ने? जाएंगे, दरवाजे खोलेंगे, यहाँ से जाएंगे। चलिए, तो कितने दिन का प्रोग्राम है यहाँ पर? और अब यहाँ 2-3 दिन का और है। 3 दिन का और? हाँ। तब तक रहेंगे आप? तब तक रहेंगे, उसके बाद 15 दिन अपने गांव रहेंगे। वाह, चलिए दौलाघाट में, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। ओके, तो लोग आने शुरू हो गए हैं और दिन का करीब बजा है 2, तो 2 बजा है और भागवत कथा शुरू हो चुकी है और 4:30 बजे तक ये भागवत कथा चलेगी। तो आज 10 साल बाद हमारे गाँव में, हमारे गाँव के भगवती मंदिर में यह आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ी हर्ष की बात है, खुशी की बात है। बीच में एक बार आयोजन किया गया था लेकिन परिवार में कुछ क्षति होने की वजह से और उससे पहले कोरोना काल की वजह से ये हमारा भागवत टल गया। तो इसलिए आज ये फिर दोबारा से दूसरा भागवत हमारे हमारे पांडे परिवार का हमारे नरगुल गांव में ये आज आयोजित किया जा रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ घर को और उसके बाद मैं करीब 4 बजे करीब आऊँगा। तो ये हमारा गांव है, ये तो मैंने आपको पहले वीडियोस में दिखाया हुआ है। और जी क्या हाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। अच्छा, कहाँ से आए हो? हल्द्वानी से। भागवत के लिए आए हैं? हाँ। तो कितनी क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ते हो? तो कितने दिन का प्रोग्राम है, कब तक रहोगे यहाँ? 17 तक रहोगे यहाँ? अच्छा, और कौन कौन आया है? और मेरी मम्मी और मेरी बहन। वाह, चलिए ठीक है, थैंक यू बाबा। तो जून का महीना है, छुट्टियों का महीना है, तो जितने भी हमारे परिवार के जो रहवासी हैं, रहवासी मीन्स जो यहाँ से बाहर बस गए हैं, उसके अलावा रिश्तेदार, बुआ लोग हैं, बहनें हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, जिनका यहाँ मायका है, हमारी बुआएं हैं उनका भी यहाँ मायका है, वो आई हुई हैं। ज़्यादातर आई हुई हैं। मैं आपका परिचय सबसे करवाऊँगा, कोशिश करूँगा एक फ्रेम में सबका मैं परिचय करवाता जाऊँ। तो ये अच्छा है, इसी बहाने हमारे परिवार के कुटुंबजन जो हैं, जितने भी हैं,
कुमाऊं में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, बाहर बसे हुए हैं, वो लोग इसी बहाने घर आ गए। तो ये अच्छा लगा और यही इंतज़ार भी रहता है हम लोगों को, कोई शुभ काम, कोई काम काज होता है तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ की बड़ी तारीफ़ है, हमारे पांडे कुटुंब की बहुत बड़ी तारीफ़ है, तो अच्छा लगता है। ये हमारी बाखली है जो मैंने आपको पहले वीडियोस में दिखाई हुई है। तो अभी मैं एक्चुअली कहीं से आ रहा हूँ, तो पूरा भागवत अभी शुरू, क्योंकि पब्लिक अभी ज़्यादा आई नहीं है, इसलिए थोड़ी देर में भी जाऊँगा जो वहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके होंगे। तो तब तक मैं जाता हूँ अपने घर। कहाँ से आए हो? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से? हाँ। अच्छा, तो भागवत के लिए आए हो। अच्छा, कैसा लग रहा है गांव में? बहुत गंदा लग रहा है। गंदा लग रहा है? गंदा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें कुछ खेलने वाले हैं। खेलने वाले मिले? और खेल तो आप लोग रही हो? ननिहाल है ना। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष पांडे। हाँ, कहाँ रहते हो तुम? बागेश्वर में। बागेश्वर रहते हो? अच्छा, भागवत के लिए आए हो। कितनी पढ़ते हो? पाँच में पढ़ते हो। मजा आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलो, कुछ बच्चों की राय है, मजा नहीं आ रहा। हाँ बाबा, तुम बताओ क्या? तुमको मजा आ रहा है? ना, बिल्कुल नहीं आ रहा है यार। क्या बात है, बच्चों को मजा? हाँ बाबू, मजा आ रहा है? हाँ। आ रहा है, इनको आ रहा है, देखो। हाँ बच्चों, तुम्हें आ रहा है मजा? हाँ। आ रहा है ना? हाँ। तो ये तुम्हारी बहन तो कह रही मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, बड़ा सड़ा हुआ लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खेलो है। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ, हल्द्वानी से आए तुम भी? तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। भागवत सुन रहे हो या खाली खेल कर रहे हो? खेल कर रहे हो। और खाने पीने की मौज हो रही है? हाँ। चलो बढ़िया, दुकान भी है यहाँ पर। चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारी मात की बाखली। तो ये बच्चे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, नीचे भी आए हुए हैं, काफ़ी मेहमान आए हुए हैं। और अभी दोपहर का समय है, करीब 2:30 बजा होगा। अभी रौनक कम है, हमारे वहाँ बाखली में रौनक होती है शाम के समय। तो अभी भागवत कथा की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, तो लोग जा रहे हैं वहाँ पर। पूरी बाखली थोड़ी देर में खाली हो जाएगी, उसके बाद 7 बजे के बाद यहाँ पर इस बाखली में रौनक होगी। तो चलिए, मैं नीचे को चलता हूँ अपने अपने घर में, और थोड़ा मुझे आराम भी करना है, थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद जाऊँगा 4:30 बजे। ये नीचे जो है हमारी बाखली है। तो आज एक अच्छा मौका है, सब लोग आए हैं, सब लोगों से मुलाकात हो गई है। तो ये लोग बच्चे लोग शाम को खेलने क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, इन्होंने बाखली को क्रिकेट का ग्राउंड बना दिया है। ये देखो, ये सही हो रहा है इनका भी, बढ़िया है। ये देखो, ये चलो खेलो खेलो, तुम खेलते रहोगे, तुम लोग बिजी रहोगे, थोड़ा सही रहेगा, हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तुम लोग बिजी रहोगे, हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, बिजी रहो। और ये देखो, बॉल कराने आई, और ये दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर में से एक हैं, दुनिया के सबसे तेज गेंद। और ये अगर ये बहुत सीधी होती और अगर ये बहुत सीधी होती तो सीधे बोल्ड होती। और हाथों में ग्लव्स हैं इनके, इसका मतलब ये विकेट कीपर का शौक रखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज नितिन। कहाँ से आए हो? हरियाणा। हरियाणा? झागड़। अच्छा, हरियाणा के हो आप? अच्छा, कैसा लग रहा है गांव में? मस्त लग रहा है, टाइम कट रहा है बढ़िया। चलो अच्छा है, खेलो खेलो है। तो अब हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो अभी कहाँ हैं आप? हम हैं गैरसैंड में। गैरसैंड में हैं आप? yes, तो भागवत के लिए आए हैं? yes. तो घर कितने टाइम पे आते रहते हो? घर साल में एक बार। साल में एक बार आते हो? yes. रेगुलर आते हो? बिल्कुल। तो अपना घर अच्छा लगता है आना? बहुत अच्छा लगता। और मिस करते हो पुराने दिनों को? बहुत मिस करते हो। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं ये। चलो, वो समय वो दिन बहुत याद आते हैं। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अभी नाम ही नहीं बता रहे। के सबसे तेज गेंदबाज ब्रेटली के भाई चुसली, और ये बॉल सीधी होती तो सीधे विकेट में जाती। दुनिया के तेज गेंदबाज ब्रेटली के भाई चुसली। हाँ आओ, और चुसली आते हुए बॉलिंग करने के लिए, और बहुत अच्छी बॉल, इसे सम्मान दिया दीपेश ने, और चौका भी हो गया। एम्पायर थर्ड एम्पायर ने चौके का वो दे दिया। एक बार और चुसली आए हैं दीपेश को, और बहुत अच्छी बॉल, और अपील हुई लेकिन कोई असर नहीं एम्पायर पर, और इसी के साथ नॉट आउट। नया नाम, और देखें चुसली का सामना कैसे कर पाते हैं। और एक बार फिर चुसली सचिन तेंदुलेवर को, अच्छी बॉल, खेलना चाहते थे तेंदुलेवर लेकिन खेल नहीं पाए। लेकिन मैं अब टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं मंदिर जा रहा हूँ, बाय।
और आउट। और यहां पर आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी है और बेहतरीन कैच सबका नितिन ने, बेहतरीन कैच। आपने सुना होगा आवाज आई यहां से कट की और उसको मैं बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग पीयूष द्वारा, चूसली द्वारा, सॉरी पीयूष नहीं चूसली। और धोनी के भाई भौनी आए हैं और क्या बॉल है भाई, क्या बॉल है, ये तो लेग स्टंप से बोल्ड हो चुके हैं आप। माय गॉड, महेंद्र सिंह धोनी के भाई भौनी आए हैं, आप आउट हो चुके हो, आप बोल्ड हो चुके हो बड़ी बेहतरीन बॉल में। और LBW अपील हुई और इसी के साथ आउट, क्लियर आउट, और हैट्रिक हो गई है इसी के साथ, इसी के साथ चूसली की हैट्रिक। चैन नहीं है, रंगाई पिछोड़े में अब मंदिर से आकर के खेत में पहुंच गई। अरे आज तो छोड़ दो, अरे भैया अभी तो छोड़ दो काम को, कारोबार को, ये देखो इतने कारोबार में ये बिजी है, ये मंदिर से आके सीधे उसमें लग गई है। तो शाम के वक्त हमारे गांव का नजारा और हमारे समय हमने और सामने हमारी बाकली दिखाई दे रही है मात की। और जून का महीना है, भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों में कुछ सुहाने मौसम का आनंद लिया जा रहा है। हालांकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, यकीन मानिए दिन में बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब कहने की बात नहीं है, लेकिन शाम के समय उतना ही सुहाना मौसम है। तो मंदिर में हो गए हैं भजन कीर्तन शुरू, तो देखते हैं क्या है माहौल मंदिर में। मैं तो सोया था 2 घंटे, तो अब मैं जा रहा हूँ, भागवत भी खत्म हो गया है। चकल्लस नहीं। और ये हमारे ताऊ जी देखिए मुझे, ये वही ताऊ जी हमारे, एक और आए, ये देखिए हमारे कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। हाँ जी, ये हमारे वॉलेंटियर्स हैं और कार्यकारी जजमान भी हैं हमारे भागवत के। हाँ जी, तो क्या चल रहा है? मैं तो लेट आया सर, थोड़ा लेट जुड़ा मैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो कैसा है, कैसा चल रहा है माहौल, क्या है? बढ़िया चल रहा है, पब्लिक आ रही है। अच्छा, और 10 साल बाद हमारे गांव में भागवत हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही हुआ, बीच में ऐसे ही हो पाया, हो गया, गड़बड़ हो गई, एक बार कोरोना हो गया, एक बार परिवार में क्षति की वजह से यह है। हाँ भाई, हाँ ये है भंडार गृह के स्वामी हमारे भाई हैं, सब माल भरा पड़ा है। ये देखिए, ये भंडार ग्रह है, ये इसके अधिकोष अध्यक्ष हैं, इस भंडार ग्रह के अधिकोष कहा जाता है, जहां पर जमा संग्रह होता है। ये देखिए सारा माल टाल है, मतलब इनके दोनों हाथों में लड्डू और केले हैं, देखिए सब इनकी, ये हमारा स्टोर है, तो ये बैठे हुए आराम से पहरादारी कर रहे हैं इसकी, बाकी हमारे कार्यकारी जजमान भी हैं। तो चलिए और लोगों से कराते हैं आपका परिचय।
प्रणाम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। तो ये बताइए सर, आप ये ब्याज गद्दी में आप ये पद है, आपको कितने समय से आप संभाले? ये 1994 से कथा चलती है मेरी, 1994 से आज अब 30 साल हो गए, 30 साल से कथा। तो ये आप अपने पूर्वजों की विरासत को संभाले हुए हैं? हाँ, पूर्वजों की विरासत है हमारी। तो आप इससे पहले कौन कौन था? पूर्वज हमारे पिताजी लोग तो करते नहीं थे, गुरु लोगों से सीखे, मैंने ही शुरू किया अपने परिवार में, अपने परिवार में मैंने ही शुरू किया। अभी आप कहाँ से आए हैं? ये बमराड़ी कहते हैं, बमराड़ी गरुड़ गरुड़ लाइन में। तो ये बताइए दो शब्दों में, अपने अपने शब्दों में, भागवत का हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में क्या महत्व है आज के युग के हिसाब? आज के युग के हिसाब से भागवत की बड़ी महिमा है। तो समाज में जो भी कार्य होते हैं, मनुष्य जीवन का जो भी धर्म है, सब भागवत हमको सिखाता है कि मनुष्य से कब क्या करना चाहिए, किस धर्म का पालन करना चाहिए, प्रातः काल से सायं तक मनुष्य का क्या कर्म है, सब भागवत हमको सिखाती है। तो उसमें हम जो भूल कर जाते हैं, अपने कर्म को भूल जाते हैं, उसको हमको भागवत दोहराती है कि तुम अपने मार्ग में आओ, तुम मार्ग भटक गए हो, सतमार्ग में आओ, परमात्मा की पूजा करके मोक्ष प्राप्ति के साधन एकत्रित करो। तो हमारे कुमाऊं में जब से भागवत कथा उदय हुआ, तब से कुमाऊनी में अपनी भाषा में, निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, अपनी भाषा में उन्नति समाज देश कर सकता है। तो आजकल ये वृंदावन से संगीतमय या नृत्य कीर्तन, इसकी परंपरा चली, पुरानी परंपरा हमारी कुमाऊं की अपनी भाषा में है, कुमाऊं में कुमाऊनी, गढ़वाल में गढ़वाली में, प्लेन्स में जो भाषा अवधि बिहारी फारसी, अपनी अपनी भाषा। अच्छा लगता है सुनने में, आंखों का अच्छा सुकून देता है दृश्य। हाँ, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में। तो सर एक चीज लास्ट सवाल, आप पहाड़ के हैं, हम भी पहाड़ के हैं, गांव में जो आज स्थिति आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप भी जाते होंगे, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, तो इससे आपके इस जो आप लोग कार्य कर रहे हैं देव कार्य, उसमें कितना फर्क आया है पहले से? तो उसमें फर्क पड़ता ही है, क्योंकि लोग धनार्जन के लिए या विद्याध्ययन के लिए या साधन न होने के कारण घर से बाहर निकलते हैं। तो जो करना चाहते हैं, बड़े यज्ञ है, समय भी लगता है, धन भी लगता है, तन मन धन है, सब कुछ लगता है, इसी कारण परेशानी हमें भी होती है। जहाँ साल में यज्ञ होते थे, वहाँ 5 साल में होते हैं। ये बात हो गई, साल में होते थे, 5 साल में, 5 साल में होने लगे, ये दिक्कत आ गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अनमोल वचनों के लिए, प्रणाम। ठीक है, नमस्कार। तो ये है सामने इस हमारे भागवत, श्रीमद भागवत के प्रमुख यजमान भी जिनको कहते हैं, यजमान प्रणाम। पहले आयुष्मान भव, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बढ़िया। कितने दिन से बैठे हैं आप? हम 7 तारीख से बैठे हैं यहाँ पर, श्रीमद् भागवत हो रहा है, मंदिर में ही अपना निवास है, मंदिर में ही खाना भोजन है, व्रत चलते हैं, और ब्रह्म मंडली है, बहुत आनंद आता है, कीर्तन वगैरह होता है। तो आपको घर से अलग रहना पड़ता है? जी हाँ हाँ हाँ, ये हमारे शास्त्रों में है कि जैसे ये हमारे विप्र लोग हैं, तो जैसे पहले नहीं कहते थे, वो लोग खिलौनी डाली जाती है गांव के चारों तरफ, जिसमें कभी भैंसे को घुमाते थे, भैंसी लगती थी, उसी प्रकार उसका भी उसी प्रकार लगा लो कि ब्राह्मण लोगों को, विप्र लोग जितने हमारे आए हैं, इनको जो है अर्घ दिया जाता है, और इनको भी यहीं रहना है, वरण किया जाता है, उसको वरण होता है कि आप भी यहीं रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होता है। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या क्या नियम कानून पालन करने पड़ते हैं? इसके नियम कानून, शुद्धता सबसे नंबर वन, अगर ब्रह्मचारी में रहना, शुद्धता। आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, बहुत, और ये गर्व की बात है, धन्यवाद। धन्यवाद भागवत आयोजन में प्रमुख यजमान की भूमिका में, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया, आप यूट्यूबर हमारे इसमें आ गए, बहुत बढ़िया किया, थैंक यू। हाँ सर प्रणाम, नमस्कार। हाँ तो पहले ये बताइए सर, ये प्रमुख यजमान की जो भूमिका है, ये तब से ये क्यों होती है, और क्या ये किसको बनाया जाता है, किसी खास को या विशेष किसी? मुख्य यजमान के लिए हमारे परिवार में ही, आपस में ही तय होता है कि ये आदमी सबसे, इसको सबसे बढ़िया तरीके से कर सकता है, इसको ये सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है, और इसको नियम और धर्म का पालन करते हुए आगे कर सकता है, और इसीलिए वो चयन होता है। तो अभी हमारे भाई साहब वृद्ध हो चुके हैं, भाभी भी हमारी करीब 60-65 साल की हो चुकी है, तो इस प्रकार के उनसे वो निवृत्त हो चुके हैं, और दूसरा आदमी की इच्छा भी होनी चाहिए कि यार मैं बैठूं, स्वयं की भी इच्छा होनी चाहिए, हाँ स्वयं की भी इच्छा होनी चाहिए कि यार मैं क्या नियम धर्म का पालन मेरी पत्नी सहित कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरी पत्नी इस लायक है या मैं इस लायक हूं या भी नहीं ना।
तो ये सारी चीजों का होता है। और बड़ी बात है कि जो मुख्य यजमान का दायित्व है इसमें कठोर ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना होता है, शुद्धता की का ध्यान रखना होता है, सफाई का ध्यान रखना होता है, और सबसे बड़ी होती है समय की पाबंदी कि निश्चित समय पर यदि आप सुबह समय से यहाँ पर पूजा में नहीं बैठेंगे तो शाम को आपकी कथा लेट हो जाएगी, शाम को भोजन लेट हो जाएगा, तो पूरी आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए ये जो मुख्य यजमान का चयन होता है बहुत सोच समझ के किया जाता है और बहुत जिम्मेदारी का कार्य है और इसमें बहुत सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। ये आज हमारी आपने जिज्ञासा दूर करी, मुख्य यजमान किस लिए किया जाता है और किसको किया जाता है और उसको क्या क्या पालन करने पड़ते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, के लिए हम सब लोगों ने मिलके दायित्व दिया हुआ है, तो चूंकि बंधु बांधवों का कार्यक्रम है, पूजा है, तो कौन क्या कर सकता है, एक दायित्व सबको सौंपा हुआ है ताकि हमारा कार्य सरलता से निभ जाए। क्योंकि मैं इस मंदिर में दिया जलाने आता हूँ अपनी श्रद्धा से, तो उन्होंने कहा चलो आप दिया जलाने तो आते ही हो, आप प्रधान पुजारी का काम संभालोगे। अब तो यहाँ पर दिया जलाना है, हमें रोज ही जलाते हैं, रोज तो एक टाइम जलाते हैं या दो टाइम जलाते हैं, आजकल दिन भर यहाँ देखना होता है, पूजा के बाद लोग चढ़ावा लाते हैं, उसको फिर व्यवस्थित रखना होता है और फिर उसके बाद पूजा संपन्न हो जाती है तो साफ सफाई वगैरह करनी होती है। अब चूंकि भागवत यज्ञ में बैठे हैं सभी लोग, तो ब्रह्मचर्य और सौर कर्म वगैरह साफ स्वच्छता का ध्यान रखना होता है, व्रत करना होता है पूरे यज्ञ के दौरान, तो वो कार्य हम कर रहे हैं। सभी लोगों का अलग अलग दायित्व है, किसी को भंडार का दायित्व दिया गया है, किसी को भोजन का, किसी को बाजार से सामान लेने का, मार्केटिंग व्यवस्था का, तो उससे एक व्यवस्थित उस रूप से कार्य हो रहा है। तो साफ सफाई जैसे मंदिर की हमने कर दी, अभी ये शाम को कर रहे हैं, सुबह थोड़ी हमें सरलता हो जाएगी क्योंकि सुबह ठीक 7:30 बजे सभी यजमान यहाँ पहुंच जाएंगे, पूजा शुरू हो जाएगी, तो अभी हम शाम को साफ सफाई कर लेते हैं, सुबह सूक्ष्म रूप से करते हैं, फिर दिया बाती धूप बत्ती करते हैं तो कार्य शुरू हो जाता है। तो यही कार्य है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। तो कुछ लोग यहाँ पे आए हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? हल्द्वानी से आए हैं। हल्द्वानी से तो भागवत के लिए आए हैं? जी, हल्द्वानी से। अच्छा, तो कितने साल बाद अपने घर आए हैं आज? आज मैं आई हूँ 10 साल बाद। 10 साल बाद आए हैं, इससे पहले आए थे आप भागवत में ही? आई थी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है गाँव में पहले तो ये बताइए, 10 साल बाद? सभी लोग घर में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भागवत में सभी लोग पूजा करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब आप वैसे घर आप लोग और आते रहते हैं? आते रहते हैं, मेरे हस्बैंड आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं। हाँ। और हमें टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं आ पाते। अच्छा, तो बहुत परेशानी से गाँव घर में पलायन होने कारण मुख्य से की सुविधा कमी से, स्कूल कमी से और हॉस्पिटल ये सब सुविधा नहाती, टाइमली मजबूरी है, कोई सुविधा नहाती, हॉस्पिटल नहाती गाँव में और स्कूल नहाती, बच्चे पढ़ने लीजिए बाहर जाने लग रही, तो पलायन मजबूरी कारण बन गयो। तो हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, उन लोगों कैसी पढ़ना अपन अंतिम, उन लोगों ने इतु तब तक इतु कंपटीशन ले रही थी बच्चन में, आजकल बच्चन में ले कंपटीशन से, तो बाहर जाना जाना हर बच्चे, चलो उस समय तक सुविधा नहीं थी, तो जिस माहौल में ढली वही माहौल में रही हूँ लोग। चलिए, तो अब ये बताइए, चलिए मैं थोड़ा सा आपका सवाल बदलता हूँ, तो आज आपको अच्छा लग रहा है, माहौल बढ़िया, सब लोग इकट्ठे होते हैं तो अच्छा लगता है, तो कोशिश करेंगे हर साल कम से कम एटलीस्ट आ सकें? बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और गांव में हर एक को आना चाहिए और पलायन को रोकना चाहिए। हाँ। और नहीं भी 6 महीने में तब भी आना चाहिए। आप, अपने पुत्र, अपने पुत्र गाँव को देखना चाहिए, जो बंजर पड़े हैं उनको एक एक कमरा तब भी बनाना चाहिए, गर्मी में आओ तभी रह सको, है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और बाकली में बिल्कुल रौनक हो रखी है, सब लोग बैठे हैं, बातचीत गपशप मार रहे हैं अपनी, और ऐसा ही होता है हमारे वहाँ काम काजों में, लोग इस तरह से इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, और दूर दूर से आते हैं, जो लोग आ नहीं पाते वो लोग ऐसे मौके पे आ पाते हैं, तो काफ़ी रौनक रहती है। अभी आपको मात की बाकली का दिखाएंगे, सब लोग बैठे हैं गपशप मार रहे हैं, ये देखिए सबकी अपनी फसकें हो रही हैं, ये बहनें हैं, ये इनका यहाँ मायका है, बुआ लोग हैं, इनकी यहाँ पे गपशप चल रही है। हाँ जी, क्या गपशप चल रही है अब दोनों बहनों में? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? हम अल्मोड़ा से आए हैं। अल्मोड़ा से? कितने साल बाद आए अपने घर आज? मैं आई हूँ 1.5 साल में।
अच्छा डेढ़ साल में आई है, आते रहती है मतलब के जगह। हाँ तब आप आई थी, तो कैसा लगता है, याद आती है नहीं कभी भी? बहुत याद आती है, बहुत अपने अपने पुरखों की, अपने बाबों की, हमारे पितरों की, हमारे भाई बहनों की, अपने बिताए हुए समय के, मायके की इतनी याद आती है, पता नहीं क्यों आती है, पता नहीं इतना प्रेम है मायके वालों से, अपने अपने पुराने यहाँ बिताए हुए दिन आपके बहुत बचपन के दिन याद आते हैं। क्या हाल है, तुमको कुछ नहीं मिला, तुमको कुछ नहीं मिला, तुमको कुछ नहीं दिया, इसको भी दो यार, हम लोग मस्ती मार रहे हैं, इसको बिचारी को भूखा छोड़ा हुआ है, ये गलत बात है यार, चलो मैं दे देता हूँ। तो चलो भैंस को हम दे देते हैं घास, वो बिचारी भूखी है, और ये लोग तो मजे में मस्ती में मस्ती कर रहे हैं, तो हम दे देते हैं। ले भाई ये देखो भूखी है यार वो, ये देखो हमने दे दिया है घास, ये देखो तुम लोगों ने भूखा छोड़ रखा है, तुम लोगों को पाप लगेगा देखना। अरे क्यों लगेगा, हम भी खिला देते हैं। अरे अरे मैंने उसको दिया था। तो हमारे परिवार के छोटे छोटे बच्चों द्वारा एक बेहतरीन प्रस्तुति, यहाँ पर छोटी सी बच्ची है, मुश्किल से 7 साल की भी नहीं होगी, और नाम अभी पूछते हैं इसका नाम क्या है, और ये आजकल म्यूज़िक सीख रही हैं, तो होनहार बिरवान के हो चीख दिन बात कहते हैं ना, वही कहावत है, तो अभी से देखिए इनकी अपना हुनर इनका। गुड, वेरी गुड। कितने साल से सीखा आपने, कितने साल की हो आप? 6 साल की हो केवल? तो ये कब से सीखा आपने? जब मैं फर्स्ट में थी। जब तुम फर्स्ट में थी तब से सीखा है, तो कितने कितने राग सीख लिया अभी तक आपने? 4 राग सीख लिए हैं। अरे वाह, तो घर में कौन आपको इसके लिए इंस्पायर करता है, ट्रेनिंग देता है कोई? मम्मा। मम्मा करती है, अच्छा, और आपके गुरु जी का क्या नाम है? तेजस्विनी दीदी या रितेश सर। तेजस्वी दीदी है तो सिखाती है, और रितेश सर भी, रितेश सर भी है, रितेश सर है, वेरी गुड, चलिए उनका नाम ले लिया मैंने। तो ये आपको शौक है, आगे भी करते रहेंगे कंटिन्यू? इसको मुझे यमन राग पसंद है। यमन राग पसंद है, अच्छा, यमन राग या यमन कल्याण? इसका नाम यमन भी है, कल्याण। अच्छा यमन भी है, कल्याण, ठीक है।